बनी वाला बताइए तुम्हारे नाई ने ये कहा हाँ के बरा तंदन नदिया में डूब जाएगी। कैसे डूब जाएगी? मेरा ये कहना है हाँ चाहे बला ते सिगरी मर जाए। अच्छा तो शादी कौन करेगो? मेरो कछु बिगड़े करे नाए जा दिन शादी मेरी धिया की है जाएगी रिश्ता समदी से जाए। अरे जब लो फेरे नाए पलंगे ये 50 रुपया दिनेश सोनपुर के रहने वाले पंडित महाराज ये भाई साहब नौता देने भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक मेरी बेटी से फेरे नहीं पड़ेंगे हाँ रिश्ता कच समती ते नाए। अरे 12 साल की लिखित लड़ाई 12 साल तक तेगा बाजे को हसी खेल शादी मत समझो रड़िया दुखी बिहाय के ले जाए। यानी 12 साल की लड़ाई 12 साल तक तेगा बाजेगा तेगा और 13वें साल में शादी और जब साल 13 मिलेगी तब शादी होगी। अच्छा और लिखो लिख रहे हैं बताओ तुम। ओरे कालू सावती को लिख दे द्वारे पे 12 साल की ले लिखी लड़ाई ओ तेरे में सुता को प्यार कालू ले लिख दो भैया ले ओ समधी को समधी को काल लिख दिया समधी का खाल द्वारे पे लिख दो काल। पंडित जी तुम जानते ना इनसे तो पूछ लियो करो सुनो अगर महाराज जय लड़ाई में लिखवाइयो मैं तुम्हारे निपोरे कर रहा हूँ। क्यों नहोरे? हाँ नहोरे। अगर हमारे कचेती साहब को मालूम पड़ गई कि मेरो काल लिखो है तो हमारे भोले सिंह कचेती साहब सवेरे ही 4 बजे तोलो सोबन नगरा में पहुंचेंगे महाराज जा में लिखवाओ लाख है को तो सोबन पर परी जाएगो चासे से जले जान के नाए काल ममा को नाई लिख दे मढ़े पे मामा का काल मढ़े पे लिख दे काल में आ रहा हुआ मामा बागो बैसे हुए फटो पजामा मामा तो बैसे हुए आगो में मालूम पच जाई तो इस समय भामरे पड़ती है मामा आता है और उसे ताने के लिए वहाँ मामा का काल लिख दो मामू काट हो जाए वो और क्या सुनो मामा मारो जाए तो एक बात मेरी सुन लियो बोलो अगर मामा मारो जाए तो माई रह गई माई के ठीक में दियो मतलब काम धंधो कौन करेगो? अरे सात शीश परो ना पे लिख दे नहीं आता है महाराज एक बात बताओ ये 7 मूड की बात कर रहे हो जो घरेतियन के होंगे बरेतियन के होंगे ए बरेतियन के अरे तो बरात जो सिगरी भर जाए घरेतिया बच जाए और ये 50 रुपया सौदान सिंह लड़का के बाबा
ये 50 रुपया से नौता बख्शी करना भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सात शीश भरो ना पे लिख दे अरे भामर पत्ते का बाजे गो शादी से जले हो नकी नाए चिट्ठिया लिख दे तुमने और ये राम रहीस दादा सोनपुर के रहने वाले ये 50 रुपया से नौता बख्शी करना भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण मेरी होए को सुता को प्याव अरे जा संकल दीप में और ये 50 रुपया गुलफान सिंह ये 50 रुपया से नौता बख्शी करना है भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित महाराज देखो शादी का सिक्का बन गया है। अच्छा ठीक है और तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था मैंने कर चुकी है। मैं बताऊं हो चुकी है तुम्हारी मैं बताऊंगा तुम्हारो खानो ना चलेगा हम बताएंगे। मितानी तो बना दियो तुम सतुआ घरवा दियो सतुआ बंदवाई दियो मैं तो पी लूंगा। और हमारे जो पंडित है उनके ताए नरम चारो बंदवाई दियो वो मैं बताऊं सो हमारे पंडित जी को देसी घी के परामटे करवाए अरे देसी घी के देसी घी के अरे मैं तो खाते ही ना मैं तो रिफंड खा लेता हूँ मैं तो डाल्टे खा लेता हूँ और तो मैं तेलू खा लेता हूँ पत्र का लेकर के और किसी राजा का राजकुमार देख करके और सिक्का चढ़ा करके आना है। अच्छा मेरी लड़की 22 साल की है। अच्छा बिल्कुल सही बात है लड़का 23 साल का होना चाहिए। मतलब लड़की 22 साल की और लड़का 23 साल का। हाँ जी अगर वो तो हम ढूंढेंगे कोफत करेंगे सब जगह जाएंगे मिल ही जाएगा। अगर पहले तो मिल ही जाएगा ना मिलो तो एक कम ना करें 11:30 साल ही दो करते ऐसा नहीं होता है। सो है मैं बता रहा हूँ चल रहा हुआ आजकल 11:30 साल के अगर एक को कोरोना लग गो वो मर गो तो लोड़िया राण ना होगी एक तैयार रहो बदतमीज। अब सिक्का बन गया है ठीक हेलो जरा सुन के आ चिट्ठी अरे लेके ब्राह्मण अरे वापिस तुम आए गए लड़की देखे दूल्हा कैसे ढूंढ लेंगे ना ये ब्राह्मण है तो बात मानो इतनी सुंदर में लड़की है तो सुंदर उससे और सुंदर होना चाहिए पर तो सुंदर ही लड़का ढूंढो जाए वो। अरे रानी ए नाई ब्राह्मण महलम तैयार लड़की दिखाइए इनकी विदा की दिए नानी साहब पाला गो ओ नानी अरे रानी अरे रे रे दिस
अरे किन की नानी? तुम ना जा काम की नानी। अरे हाँ 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 अरे लंगड़ा दूसरी तरवावे चक्कर में गए। कहाँ के लिए जा रहे हो? हम तुम्हारी लुड़िया को ब्याह कर देखने की लड़का को। हमारी लड़कनी का ब्याह करने जा रहे, शादी यानी सिक्का के लिए लेके जा रहे हो? हमारे पति ने आपको आज्ञा दी है। हम भाई बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक बात है। क्या? बिना करे सिक्का कौ वापिस है, जान बचेगी ना। अरे मन देखो तेरो जग दुनिया में, तेरे कोई रे वो बच भैया दुश्मन ना। रे धिया की शादी करके आयो जग दुनिया में। अरे ब्राह्मण रे माल रे खजानो ले जइयो मेरे रा, सियानी अरे बेकरिया हमारी मेरे खटकते सीना पे रे। बांध के ले जाइए, कोई कमी नहीं है, लेकिन बिन सिक्का के वापस आ गए तेरो कोई बच भैया नहीं। फांसी लगवाई दूंगी तो को बेरी चाती कोल में दूं फिर। ये 50 रुपए श्री राम ये नौते में दे रहे हैं, हम भाई साहब के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। अरे तुम तो टरी जाओ बा मेरे द्वारे से, करियो शादी रे कुमार की जाए। रानी ने कहा कि नाई ब्राह्मण सिक्का लेकर के जाओ। लेके सिक्का हम मेलन से जाए, अरे जाइए ना दो ग्यारे अजी हो पावन घर में काउरा जाके। सिक्का आ बंगे चढ़ा के हम तो जाए ले वापस सिक्का। अरे शंकर दीप को न ले लावे ओ जी। अरे पृथ्वी वीरन से
पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, कहीं ना कहीं जोड़ी अरे मिल जाएगी ब्राह्मण मेरी बारी अरे बेटा की। सिक्का तुम आइयो अरे लली को राम चढ़ाए, ब्राह्मण संकल्प दीप से और चलने लगे। जाइए ब्राह्मण सुन भैयो अवे जाए रे शंकर दीप ते, कहियो अवे लेती ले बातो सलना ले पथकी, ओ सिक्का संकल ले दीप ते ले जाए। हेलो प्रेमी साथियों, जब कहीं बरना नहीं मिलता है तो नाई ब्राह्मण चलते हैं। ओरे नामो रे सुनो भैया अरे सर नरबर को, Yeah।
कैसी आफत आई है महाराज? जय शंकर की, जय शंकर की, राम राम, ए राम राम। महाराज बंद की तुम मरो तो हमारी जिंदगी। लुक फटे, सबका मतलब एक ही होता है, मतलब कुल मिलाकर राम राम, बंद की नमस्ते, सबको कुल मिलाकर इतना देखो, कुल मिलाकर सबको डांट रहे हो, कोई बिल्कुल एक ही है, एक ही है। अच्छा तो महाराज हम अत्ता महाराज पुष्कर से मिलने हो, तुम कौन हो, तुम का चौकीदार हो, तुम आए कहां हो? हम नरवर में आए हैं, राजा पुष्कर के जहां जा रहे हैं। तो ऐसे समझ ले वो ही है। अच्छा पुष्कर हो तुम महाराज? हम संकल दीप से आए, शादी की चिट्ठी लाए, हमने नाम सुना है और तुम्हारा कोई लड़का है किशन लाल, उसकी शादी करोगे? किशन लाल हाँ, करोगे ब्याह? बिल्कुल कर लेंगे। तैयार हो? बिल्कुल। चिट्ठी में पढ़ के सुनाऊं? तुम पढ़ लोगे? सुनाओ। सर ये लिखा है, श्री श्री 108 सेवा राम लबेदम है, सेवा में निवेदन है, समाचार बीघा बोध समाचार, और जो लिख रही है आगे, श्री भाई हो तो मान, श्री मान, श्री मान। मैं इतवार 12 दिन पढ़ो स्कूल है पीछे। अच्छा हाँ, तुम पढ़े हो 7 दिन, तुम पढ़े हो 6 दिन, मैं पढ़ो 7 दिन। हाँ ले अपने आप उखारो और आगे सुनाओ लंबी ना। अब मैं आगे ना सुनाऊंगा, आगे सुनाऊ? अच्छा तो ले आगे भाई, बहुत चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देखो लिख रहा हुआ है, 10 लाख, 10 लाख, 10,551 रुपया, 51। हाँ हाँ हाँ, नगदास है जी। तो और लिख रहे हैं, दो सिंह, दो सिंह हाँ, मतलब? अरे तुम ना समझे। हाँ हमारे इलाका में लौंडियां जो छोटी छोटी स्कूल में पढ़ने जाती हैं, उसकी मम्मी चुटीला एक इधर बांध देती है। अच्छा अच्छा, तो हम उसे दो सिंह कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो दो सिंह और लंबी पूछ, पूछे कोई बात ना, पूछ तो खैर होती है, ऐसा है वो चुटीला ना है, वहां में बालों में जूरा लगाकर नीचे लटकते ना, हम पूछ समझते हैं। ठीक चलो, दो सींग और लंबी पूछ, रंग काला, वो कोई बात नहीं है, काले बोले दो रंग तो चले, वो कारो गोरो दो रंग चले, वो कारे गोरे दो रंग। महाराज रंग काला दो सींग और